आज हम जयपुर से लखनऊ जा रहे हैं और सुबह सुबह के कितने बजे, 5:20 हुए हैं। और एज़ यूज़ुअल मेरे जो ट्रैवल पार्टनर है नवनीत जी, थोड़ी गाड़ी लाइट आने से जिप 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 कर रही, यहाँ थोड़ा बाहर आ जाते, वहाँ की लाइट आने से फ्लिकर कर रही थी। तो नवनीत जी के साथ जा रहे हैं, थोड़ी कल बुखार थी, परसों भी थी, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो अब देखते हैं जस्ट बुखार ख़त्म होने के बाद इतनी दूर जाने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवनीत जी आ रहे हैं, 4 बजे आने वाले थे वैसे, तो अभी 5:20 हो गए हैं, अभी तक बॉस आए नहीं हैं। तो जब आ जाएंगे तब और आगे की बात करते हैं। अंधेरा नहीं चलेगा। तो मैं एक गाना सुनाता हूँ, मैं से मीना से न साकी से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। नवनीत जी आ गए हैं, 4 बजे बोले थे और आए हैं 5:36 में, और अब हम जयपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। धुंधला है वीडियो, उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा क्योंकि अभी सुबह सुबह ये लाइट कम है। आगे की यात्रा का वृत्तांत आपको लगातार बताते रहेंगे। आज नवनीत जी सूट पहन के आए हैं, कोट पहन के, देखो। वेलकम टू द मॉर्निंग। देखिए सुबह हो रही है और कितना आनंददायक दृश्य है। अभी हम भरतपुर पहुंचे नहीं है, लेकिन ये जो लालिमा दिख रही है ना सूर्य भगवान की, बड़ी मजेदार। तो देखो कितनी सुंदर लग रहा है। आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है नीचे कमेंट में लिखिएगा। सर्दियां जब शुरू होती है तो सूर्योदय होता है ना इस तरीके का, एकदम शीतलता से। अब ग्रेजुअली ये तेज होता जाएगा, अब थोड़ा उजाला आ गया है। और एक ये देखिए भरतपुर जो है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं हम, है ना, ब्रिज भूमि की तरफ। भरतपुर पहले ब्रिज मंडल जो है हमारे कृष्ण भगवान का, उसमें आता है। तो ये धुंध सी दिख रही होगी आपको, देखो जैसे जैसे विंटर बढ़ेगा ना रोनी जी, वैसे वैसे इसमें रोड में धुंध बढ़ती जाएगी। और कभी भी आपको यूपी की तरफ, राजस्थान से यूपी की तरफ ड्राइव करना हो ना गाड़ी, तो विंटर अगर स्पेशली है तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। वैसे अभी तो हम सेफ हैं। अभी कितने बज गए रोनी जी, 6:51 हुए, मतलब 7 बजे हैं। तो 7 बजे हम भरतपुर अभी राजस्थान में ही हैं, लेकिन अगर इस टाइम पे अगर आप यूपी घुस जाओगे तो आपको थोड़ी धुंध मिलेगी, और जैसे जैसे विंटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धुंध आपको ज़्यादा मिलेगी। मम्मी जी ने अंगूठा भी दिखा दिया, इसका मतलब ये बात कन्फर्म। धुंध देखो आप, सड़क के साइड में जो ये ढाबे होते हैं ना, इसमें खाना खाने का, चाय पीने का मजा है। अभी हम चाय पियेंगे। जो ये जो रोड है भरत जियो पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल पंप है ना आजकल, जियो पेट्रोल पंप। ये जो जयपुर से अगर आप भरतपुर जा रहे हो तो एक फ्री फोकट का एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ी देर आगे कौन सी जगह अभी टोल आएगा मैं बताऊँगा आपको कौन सा हमारा टोल है। वहाँ पे ना खंडेलवाल भोजनालय है, भोजनालय नाम है खंडेलवाल ढाबा, खंडेलवाल रेस्टोरेंट या खंडेलवाल ढाबा या भोजनालय, अभी मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे आप खाना खा सकते हो, चाय पी सकते हो, वहाँ की एम्बियंस तो ठीक ठाक है, एवरेज है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड एंड टी इज़ वेरी गुड। ये देखो ये है होटल खंडेलवाल जिसकी मैं बात कर रहा था ना। अभी तो साफ सफाई हो रही है, मैंने चाय भी पिलाया पिलाया पता नहीं, सुबह पहले आ गया हमारे यहाँ पे, सफाई वफाई चल रही है। क्या लोगे नवनीत जी? नवनीत जी चाय का आनंद ले रहे हैं, कुल्हड़ चाय। परोठा हम चिपका चुके हैं, अब निकलने की तैयारी। तंदूरी परोठा था, सुबह सुबह हम जल्दी आ गए आज अर्ली मॉर्निंग, तो जितनी मैंने तारीफ करी थी ना उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी बढ़िया। सूर्य भगवान की पूरी नज़र हमारे ऊपर है, देखो क्या मस्त दृश्य। नवनीत जी गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से सूर्य भगवान चमक रहे थे, अब चमकेंगे, एक मिनट देखना, बहुत मस्त सीन आएगा। अच्छा पेड़ आ गए खूब सारे, वैसे यार राजस्थान में इतने पेड़ है मज़ा आ जाता है यार देख के। मैं काफ़ी बार देख नोट करता हूँ कि राजस्थान को ऐसे सूखा प्रदेश माना जाता है। ये देखो ये दृश्य देखो कितना सुंदर लग रहा है, एक क्रांतिकारी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और ऊपर से सूर्य भगवान उनकी वीडियो बना रहे हैं, और इधर से मैं वीडियो बना रहा हूँ इनका, और गॉगल्स और पहना हुआ कट के। आपको पता है कि मेरे बुखार थी कल है ना, और जैसे आपने बोला ना कि लखनऊ जाना है तो मेरी बुखार भी ठीक हो गई। ये जो घूमने फिरने के जो शौकीन लोग होते हैं इनके साथ ऐसा होता है, जैसे उनको पता चलता है ना कहीं जाना है
सब बुखार उखार सब ठीक हो जाती है। बस मैसेज आया था कि बॉस को बुखार हो रही है तो कोई दवाई देनी जरूरी है, इसलिए मैंने लखनऊ का प्रोग्राम बना लिया था। मजेदार बात है यार, मेरे को भी आश्चर्य हुआ लेकिन इस चीज से। और वैसे हमारे आश्चर्य तो घर वालों को होता, अपने लिए तो काहे का आश्चर्य। इसमें बीच में एक धन्यवाद भरतपुर वाले डॉक्टर साहब है ना, माधव जी, उनको भी देना पड़ेगा। कोई भगवान ने क्या सेटिंग करी। देखो मैं मन मन में सोच रहा हूँ यार, अब अगर अपनी बुखार ठीक नहीं हुई तो अपन लखनऊ नहीं जा पाएंगे। उतने में ऐसी व्यवस्था करी कि माधव जी का फोन आया और उन्होंने ऐसी बढ़िया दवाई दी कि एक डोज में फिट हो गए। भारतवर्ष की जो जनता है एकदम बहुत क्रिएटिव है। इसका एक अभी अभी नवनीत जी ने देखा उदाहरण, मेरे को गोप्रो ऑन करने में टाइम लग गया। तो नवनीत जी आप बताओ क्या दिखा। पुराना सा ट्रैक्टर जा रहा है, अभी हम फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। फतेहपुर सीकरी का जो महल है ये बनाया तो था रहने के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं होने की वजह से ये पूरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट गया। कभी आप फतेहपुर सीकरी गए हो कि नहीं गए हो? अगर आप नहीं गए हो ना तो आपको जरूर जाना चाहिए। देखने में बड़ा खूबसूरत है, लाल पत्थर से बना हुआ, और अंदर का कंस्ट्रक्शन है ना आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल अभी भी नया है ऐसे। तो एक बार आप जरूर जाए, और कभी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको। लेकिन अगर आप नहीं गए हो तो जरूर जाना चाहिए, देखने लायक। अभी फतेहपुर सीकरी क्रॉस हुआ ना, तो उस वो जो महल है या किला है या मस्जिद समझ लीजिए, ये अकबर ने बनाया था। तो अकबर के बाद जो राजा बना था जहांगीर, उसका जन्म भी यहीं पे हुआ था ऐसा माना जाता है। और जिन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी उनके याद में उन्होंने इस ये बनाया था फतेहपुर सीकरी। फिर अकबर यहाँ पे 10-12 साल या 15 साल यहीं से राजधानी चली थी ऐसा भी माना जाता है। लेकिन अगर आप महल में जाओगे तो वो महल आपको इतना एकदम नया साफ सुथरा ऐसे लगेगा अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। तो देखने लायक जगह है, तो जरूर आपको कभी भी मौका मिले तो फतेहपुर सीकरी महल जरूर, महल समझ लीजिए, किला समझ लीजिए, दरगाह समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, अच्छा है लेकिन देखने लायक। ये हमने जो सीधा रास्ता जा रहा था ना आगरा होकर के, उसकी जगह पर बाईपास बताया, बाईपास लिया है, रायबा टोल आ गया। अभी पता नहीं हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये क्रांतिकारी नवनीत कंथारिया जी थोड़ा यूँ कमर सीधी कर रहे हैं और गाड़ी की कमान मेरे हाथ में आ गई है। अब मैं करंट पायलट ड्राइवर में हूँ। हम क्रॉस कर रहे हैं, डेवलपमेंट देखो, रोड रोड मस्त है। सिकंदरा है ये, आगरा में इतिहास बहुत है क्योंकि आगरा में हिस्ट्री बहुत है, क्योंकि मुगलों की राजधानी थी ये बहुत सालों तक दिल्ली जाने से पहले, और आधी राजधानी तो मेरे को लगता है लास्ट तक एकदम आखिरी जो मुगल शासक था ना तब तक भी आधी राजधानी तो आगरा हुआ करती थी। देखना कौन सा गुरुद्वारा ये राजा लिखा हुआ है, ये है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, तो ये पहले हम उधर नोएडा वाले में चढ़ गए थे, फिर हम इधर घुमा करके अब आए हैं। तो आप सबका, नवनीत जी का और मेरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हमारे सामने गद्दे वाली गाड़ी जा रही है, काफ़ी देर से हमारे साथ साथ चल रही है ये। तो ये अब हम एक्सप्रेसवे में पहली बार चढ़ रहे हैं। आप लोग तो पहले भी देख चुके होंगे, हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे एक्सप्रेसवे में। तो एक्सप्रेसवे का पहला दर्शन करने में हमें बहुत आनंद आ रहा है। मेरा भारत कहां से कहां आ गया है, मुगलों का राज, उसके बाद अंग्रेजों की दादागिरी, उसके बाद फिर नया भारत बनना शुरू हुआ, तो फिर खूब सारे हमारे नेताओं ने अच्छे अच्छे काम किए और अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे देश में एक्सप्रेसवे है। तो लखनऊ जो है वो सीधा है, ताजमहल बताया, ग्वालियर बताया, तो हम सीधे सीधे जा रहे हैं। तो आप सबका
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में हार्दिक स्वागत है। थोड़े टूटे फूटा है सड़क अभी यहाँ पे, बाकी आगे का आनंद देखते जाएंगे। तो यमुना एक्सप्रेसवे के टोल में हार्दिक स्वागत है। थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा टोल, तकलीफ से चल रहा है। मैडम हाथ निकाल निकाल के रोक रही है लोगों को, मैडम इशारा कर रही है रुकने के लिए, फिर अब आने के लिए बोल रही है। गेट बंद हुआ है धीरे से, तो हम गेट के पास आ गए, अभी खुल नहीं रहा है, खुल गया। तो आप सबका फिर एक बार दोबारा से यमुना एक्सप्रेसवे में स्वागत है। नवनी जी, आपका यमुना एक्सप्रेसवे में हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है। गाड़ी चलाने की वजह से मेरे जो खांसी वांसी जो आ रही थी ना, वो भी थोड़ी कम हुई है, काफ़ी सुधार आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे को है ना गाड़ी चलाने से है ना काफ़ी तबीयत ठीक होती है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपका आपका क्या विचार है? सही है क्या ये सोच? बिल्कुल सही है। किसी भी आदमी की तरफ कैमरा कर दो ना तो उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। हो गया इम्प्रूव। आपको जानकर खुशी होगी कि एक्सप्रेस वे अब आने वाला है। हाँ। ये बॉस को गलतफहमी होगी, चौड़ी रोड देख के खुश हो गए वो, अब आप एक्सप्रेस वे का इंतजार करें। विधिवत एंट्री होगी अब एक्सप्रेस वे में। मेरी तरफ भी कैमरा कर दो, सारा कैमरा आपकी तरफ कर रखा है। देखो आप एक्सप्रेस वे में एंट्री करते वक्त कैसी फीलिंग है इनकी? दो किलोमीटर आगे है अभी। दो नहीं है, एक किलोमीटर भी नहीं आगे। एक किलोमीटर बाद एक्सप्रेस वे में एंट्री करेंगे। अभी तो चौड़ी रोड है ये बस केवल। वाह वाह वाह, स्लो ले वो ताकि एक्सप्रेस वे 500 मीटर अहेड सामने दिखाऊं। मैं आपको सामने दिखा रहा हूं एक्सप्रेस वे। अरे उल्टा कैमरा उधर है, देखिए किधर है, लेफ्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे सीधा जो जाएंगे तो वो नॉर्मल वाला जो, जिसकी वजह से हम फ्री फोकट में खुश हो रहे थे ना, वो था। ये लेफ्ट में जो है और स्पीड लिमिट 50 की दिखा रही है। एक्सप्रेस वे में 50 की लिमिट में कैसे चलेगा? सब देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। अरे ये जो ऊपर से जो खंबे देखो कैसे टेढ़े मेढ़े होकर लटक रहे हैं, लाइट है लगी हुई। मेरे हिसाब से रात को सुंदर दिखता होगा। पास में आप देख सकते हैं बिल्कुल सरसों की खेती है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। अब आया असली खेल का मजा, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस वे। यस, मेरे को लगता अभी भी अपन अभी घुस गए होंगे कि एक्सप्रेस वे में। हो सकता है। 50 किलोमीटर की स्पीड कैसे बताया उसने? 300 किलोमीटर है अभी यहाँ से लखनऊ लगता है। ओके, एक्सप्रेस वे का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर एक्सप्रेस वे है, बहुत अच्छा बड़ा प्यारा सा। स्पीड लिमिट 100 की लिखी हुई है। अब कभी कभी अचानक अचानक से 100 से थोड़ी ऊपर जा रही है तो पता नहीं क्या होने वाला है। किसी ने बताया कि जब आप एंड में उतरोगे ना इससे, तो वहाँ पे शायद आपको कोई एक प्रसाद पकड़ाया जाता है अगर आप तेज चलाते हो। वैसे तो हम 100 के आसपास ही चला रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट 100 में चलाना तो मुश्किल काम है। क्यों नहीं जी? रोड की स्थिति देख के मन ललचाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है 200 की स्पीड तक भी चला सकते हो इसका, अगर आपकी गाड़ी अलाउ करती है। एक चीज जो थोड़ी कम अच्छी लगी ना, वो ये है कि यहाँ के जो टोल के जो सेंसर्स है ना फास्टैग के, वो शायद कमजोर है, बहुत ही रुक रुक के गाड़ी निकलती है। टोल गेट क्रॉस करके हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं, अभी हम चाय पियेंगे। इधर इधर मिल रही है चाय, आ जाओ। कुछ साल पहले, मेरे से 8-10 साल पहले की बात होगी, जब मैं जयपुर से दार्जिलिंग गया था बाई रोड, तो इसी रास्ते से गया था, तो ये एक्सप्रेस वे नहीं था तब। तो मुझे याद है कि बिल्कुल ऐसे ना शहरों में से होता हुआ था। तो अभी फिरोजाबाद गया ना, तो फिरोजाबाद की क्या चीज़ फेमस है भाई? चूड़ियाँ, कांच का सामान, ये सब चीज़ें फिरोजाबाद की बहुत फेमस है। तो ये फिरोजाबाद भी आया था मुझे याद है, चूड़ियाँ खूब सारी, जैसे ना ट्रॉली में रिक्शे में इसमें चूड़ियाँ जा रही है। जैसे जैसे हम क्रॉस करते जा रहे हैं ना, तो इसमें हर किलोमीटर पे और मीटर पे मार्किंग है, देखा आपने? काम भी चल रहा है कंटिन्यू, रिपेयर मेंटेनेंस का। ये जो आप अभी बोल रहे थे ना पलवल वाले का, पलवल वाला जो एक्सप्रेस वे है वो सीमेंट का, तो उसमें मेंटेनेंस कम आती है। ये जो डामर वाला होता है ना बिटुमेन वाला, इसमें मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, मैं बता रहा था बीच में कंटिन्यू नहीं हुआ, अब जैसे ये 42 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है सामने, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बता रहा है,
तो हम एक्सप्रेस वे में चढ़े हुए हमको 42 किलोमीटर हो चुका है, और फिर हर जैसे ना ये देखो 200 मीटर 200 मीटर के बाद ये 300 मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे 400 मीटर 500 मीटर फिर 44 किलोमीटर आ जाएगा। ऐसे स्पीड लिमिट इस पर 100 किलोमीटर पर आवर की है, और बीच बीच में कैमरा लगे हुए जो कि आपके एक्सेस स्पीडिंग पे आपको चालान कर सकता है, और बीच बीच में से जिस भी जो भी शहर बीच में आ रहा है ना, टाउन आ रहा है, उसमें उतरने के लिए रास्ता है शायद, है ना, उसमें से चढ़ने का भी रास्ता होता है। नहीं मतलब जैसे होता ना कि बीच वाले जो शहर है तो वो फिर आप जो पुराना जो रोड है वो यूज करें, कहीं कहीं ऐसा भी है। ये स्लिप रोड जा रहा है साइड में से इधर, टोल आएगा और वहाँ पे आएगा टोल शायद मेरे हिसाब से। ये देखो ये चढ़ने का रास्ता आ रहा है, वहाँ पे आएगा। चलो पूरा ये चढ़ सकते हो। बिजली के खंभे देखो कितने स्टाइलिश बनाए, टेढ़े मेढ़े। फिरोजाबाद 71 किलोमीटर, इटावा 52 किलोमीटर। 500 मीटर में नेमी सारण्य, मतलब कुल मिला के हम नेमी सारण्य में है। तो आप लोग बताओ नेमी सारण्य का इतिहास क्या है, रामायण में नेमी सारण्य का वर्णन आता है तो उसके बारे में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए। तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है तो आप सबका लखनऊ में स्वागत है। लखनऊ में आ गए नवनी जी, दिखाओ लखनऊ कैसा दिख रहा है एंट्री। सामान पैक कर देते हैं। ये बैटरी डलाई क्या? चल रहा। देखा क्या? वो तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी हमारी यात्रा नवनी जी आ गए। मैं तो पूरे टाइम ये देखो बिस्तर में पड़ा हुआ था तो दवाइयाँ वाइयाँ पड़ी हुई है। एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगे शुरू में, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब पहली बार मैंने किसी जगह पे देखा है, वो है ये देखो इसमें लिखा हुआ है बाथरूम स्लीपर्स ओनली फॉर हाउस यूज, प्लीज पे 250 इफ यू वांट टू कैरी। तो लोग क्या करते होंगे, ले जाते होंगे चप्पल। तो ये जो चप्पल है ना ये है, इस चप्पल के 250 रुपये अगर आप ले जाना चाहो तो उसके लिए लिखा हुआ। तो नोनी जी को बहुत अच्छा लगा ये, उनका आइडिया है कि ये व्लॉग में आना चाहिए ये टॉपिक। लखनऊ की चिकनकारी की ड्रेस होती है ना वो बहुत फेमस है और जितनी भी लेडीज़ होती है उनको बहुत पसंद आती है। तो वैसे तो मेरी वाइफ ने भी बोला था लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो नवनीत जी अपनी बिटिया के लिए लेने गए हैं चिकनकारी। और मैं आपको तब तक रूम दिखा देता हूँ हमारा। ये देखो रूम है और ये इसमें एक अच्छी चीज़ है कि ये एयर फिल्टर लगा हुआ है। तो आने वाले टाइम में ना ऐसा लगता है ये एयर फिल्टर करीब करीब जितने भी जो शहर में जो लोग रहते हैं ना उनको सबको लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि जो पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है ना उसके लिए। और तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी आवाज़ आवाज़ ऐसे ही है। अब रास्ते में देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ दिखेगी तो आपसे और मिलाएंगे। अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, जब नवनी जी आ जाए चिकन काटी ड्रेस ले करके फिर निकलेंगे। सामान रेडी, चार्जर रह जाएगा। हाँ पिताजी प्रणाम। अब निकलूँगा पिताजी, अब आधा घंटा और लगेगी निकलने में। हाँ अभी यहीं हूँ पिताजी लखनऊ में, हो गया बस अब आधे घंटे में निकला पिता। तो ये अब हम रवाना हो गए हैं यहाँ से। तो हमने गलती दो करी है। पहली गलती ये की है कि 2:30 में हम निकल रहे हैं और खाना नहीं खाया, क्योंकि आगे क्या वो एक्सप्रेस हाईवे में चढ़ने के बाद वहाँ पे खाना पीना कुछ मिलता नहीं है। अरे भाई खांसी आ रही है। और दूसरी समस्या ये है कि गाड़ी में डीजल भी नहीं है तो हमने डीजल भी नहीं लिया। तो पहला काम करेंगे डीजल का और दूसरा काम करेंगे कुछ खाने के लिए व्यवस्था। तो अभी पहले ये वाली चीज़ पता करते हैं कि क्या खाना है ताकि कोई शॉर्टकट में कोई खाने की सुविधा मिल जाए और डीजल डलवा लेते हैं। हमने फ्रूट्स ले लिए हैं, स्ट्रॉबेरी भी ली है। रस्ते में हम फ्रूट्स खाते हुए जाएंगे। नवनी जी ने किधर सीधा या किधर
सीधा, हर चीज सीधा। देख लो ये देखो, यहाँ देखते हुए रह सकते हो। देखना वैसे भी आता नहीं है, देखना नहीं आता, सीखो। ये क्या अमरूद है ऐसे, ये सफेद कैसे, इंजेक्शन वाले हाइब्रिड, हाइब्रिड जो लैब में नहीं, जो बीज डेवलप हो जाते हैं। वाह कितनी अच्छी मस्जिद है वे, अलग तरीके का लुक बिल्डिंग का, मस्जिद है कोई, इमाम बड़ा लिखा हुआ, यही होगा इमाम बड़ा है तो, इमाम बड़ा तो बड़ा, इमाम बड़ा अलग ही हो तो क्या बोला। अच्छा बोलते हैं कि लखनऊ के जो नवाब थे ना, हाँ उनका महल घर था, वो उनका महल हो गया, भूल भुलैया जैसा है वो। अच्छा पुराने लखनऊ की फील लीजिए, फील देखिए ये क्या चीज है, वो ये इमाम बाड़ा ही है भाई साहब, यही है महल है, ये होगा इमाम बाड़ा। हाँ ये है देखो ना इमाम बाड़ा, भगवान है नवनी जी देखने का सौभाग्य। अरे वाह यार सही में बहुत ही सुंदर है यार, तो है मछली बनी हुई है, झरोके बने हुए हैं, वाह यार वाह मजा आ गया। सामने देखो भाई साहब कितना सुंदर, ये देखो हाँ 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 अंदर देखो, हम तो बाहर से गुजर रहे हैं वैसे, अंदर तो नहीं जा पा रहे, बहुत भीड़ है, काफ़ी सारे लोग संडे मनाने आए। ये देखो बहुत ही सुंदर है, सामने देखो नवनीत जी एक बार देखो सामने, मिस मत कर देना, सीधा ही चलना आपने लेफ्ट आगे से। हाँ हाँ क्या बात है, किस्मत किसी आदमी की किस्मत बढ़िया हो तो कैसे दिखता उसको कोई चीज़, वाह भाई वाह मज़ा आ गया। उसको बोलते हैं इमाम बाड़ा है, लखनऊ के जो नवाब थे होंगे ना वो रहते होंगे यहाँ। सुंदर बनाया है भाई जिसने भी बनाया है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, मतलब इतनी बढ़िया चीज़ टूट ही जाती है भाई, तो रिनोवेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए कितना बढ़िया, हम इमामबाड़ा में खड़े हैं और मज़ा आ गया, आनंद आ गया, बताओ आपको ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था हम लोग को भी ये देखेंगे, लेकिन देख के मज़ा आ गया, क्या बात है यार, अगली बार आएंगे ना तो पूरा अच्छे से घूमेंगे।